इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिश। ये थी भावनाएं सोनाली फोगाट की बेटी की, जिसे उन्हें अपनी माँ को मुखाग्नि दी अंतिम समय में। तो ये दुखद लम्हा इस उम्र में बहुत दुखद। सोनाली फोगाट जो कि मशहूर थी अपने टिकटॉक पर वीडियो डालने की वजह से, उनका पिछले दिनों देहांत हुआ गोवा में, और शुरू में ये बात कही गई कि ये उनकी जो डेथ है ये नेचुरल डेथ है और हार्ट अटैक से हुई है। पर गोवा पुलिस ने जब इन बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद कहा गया कि ये मौत सामान्य नहीं है और इसे मर्डर के तौर पे किया गया। फिर इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से समय लगा। इसके पश्चात गोवा से उनके पार्थिव शरीर को यथोचित व्यवस्था के साथ निकाला गया और गोवा से उनका पार्थिव शरीर हरियाणा लाया गया। हरियाणा के हिसार ज़िले की रहने वाली थी सोनाली फोगाट। सोनाली के परिवार पे क्या गुजर रही होगी, सोनाली ने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा कि उनके गांव के लोग हैं जो इस दुख की घड़ी में साथ हैं, उनके चाहने वाले हैं सब। सोनाली फोगाट की मौत एक अनसुलझी पहेली बनती जा रही है। सोनाली के बड़े भाई ने, कुलदीप ने, गोवा पुलिस की जांच से अब संतुष्टि जताई है और सीबीआई जांच की भी बात इस मामले में उठ रही है कि उनका पार्थिव शरीर, उनके परिवार के लोग आसपास एकत्र हैं। सोनाली का की अंतिम यात्रा जिसमें दूर दूर से लोग पहुँचे और उन्होंने अपनी करीबी या वो जिसका वो जिससे उसे प्यार करते थे उसको अंतिम समय में कांधा दिया, शव यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर कुलदीप बिश्नोई, जिनके खिलाफ 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, सोनाली फोगाट ने, वो भी इस अवसर पर थे। विशेष बात यह है कि बेटी यशोधरा ने अपनी माँ की अर्थी को मुखाग्नि दी। हिसार के ऋषि नगर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा फार्म हाउस से शव को ऋषि नगर शमशान घाट ले जाने तक हुई और ऋषि नगर के शमशान घाट में सोनाली फोगाट को पंचतत्व में विलीन करने के लिए मुखाग्नि उनकी पुत्री ने दी। इस अवसर पर जो लोग आए थे उन्होंने इस पर तरह तरह से अपने विचार रखे, आइए उनको देखिए। श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भी सोनाली फोगाट को। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति, परिवार को सब्र दे। इंक्वायरी करनी है वो करेंगे, नार्को टेस्ट करवाना है वो करेंगे, जो भी परिवार चाहेगा हम परिवार के साथ हैं। सरकार साथ दे रही है, अब पहले तो नहीं दे रही थी, जब ये रिपोर्ट आने के बाद हम तो शुरू से कह रहे थे ये हार्ट अटैक नहीं है और ये मर्डर है, इसी वास्ते हमारी लड़ाई थी सरकार से। अब सरकार ने यानी कि वो हमारे फेवर में आ गई है सरकार, अब हम सरकार के खिलाफ क्यों बोलेंगे। मेन तो मास्टर माइंड ये सुधीरी है जी, और इसके पीछे और कितने। यशोधरा यहीं है, बल्कि उसको हम ही लेके आए हैं स्कूल से, वो भी यहीं है, यशोधरा उनके साथ नहीं थी। मेरे पास है, मैं आपको सुना देता हूँ लाइव। ये सुधीर सांगवान की रिकॉर्डिंग है। सचिन बोल रहा हूँ जी।
कहाँ सचिन? कहाँ, वहीं हो क्या अभी? हाँ, गोवा मुंबई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो, शाम को होगा, कल होगा। अच्छा, शाम को या कल होगा, तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7:30 की बात, मैं 5-7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। अच्छा अच्छा, पोस्टमार्टम शाम को या कल होगा। फिर प्रभाव से बिना किसी देरी के सीबीआई को कह देना चाहिए, ताकि सबूत मिटाने में अगर कोई षड्यंत्र है तो लोग कामयाब ना हो। बड़ी दुखदायी अंजलि देता हूँ। सोनाली फोगाट जो है एक महान कलाकार थी, उसका एक अपना रुतबा था और पब्लिक के अंदर भी अच्छी पैंट बना रखी थी, और घर परिवार भी और पब्लिक भी और उसके वर्कर्स भी, उनके सहयोगी भी, सबको बहुत बड़ा एक सदमा पहुंचा। जो प्रश्न उठ रहे हैं परिवार के सदस्यों के दिमाग में, उन प्रश्नों का जवाब उनको मिलना चाहिए और न्याय पूरा मिले, ताकि घर की संतुष्टि हो जाए। जो कुछ होना वो तो हो गया, वो तो वापिस आ नहीं सकती है। छोटी सी बेटी है 15 साल की, उसके प्रति भी बहुत मुझे वेदना है कि इस उम्र के अंदर और अकेली रह गई है, वज्र पड़ गया पहाड़ का। अब तो उसके चाचे भतीजे मामा वगैरह ये परिवार ही रह गया है, माँ तो चली गई।